ऑल ऑफ यू, पिछले वीडियो में हमने जो आपको दिया था पक्सीनिया टाइटल लेके उसका इंट्रो पैरा हम फिनिश कर गए थे, और उसमें क्या क्या बतलाए थे आपको, सबसे पहले पक्सीनिया के बारे में बतलाया था, और दो हमारे जो मेन क्वेश्चन उससे निकले थे, एक तो निकला था आपका आर्टोईसीएस और हेट्रोईसीएस में की डेफिनेशन, और इसके बाद टाइप्स ऑफ जो है आपके रस्ट, ब्लैक, ब्राउन और येलो। अब मेरा जो आगे का रहेगा, एक चीज हम पिछले वीडियो में आपसे डिस्कस कर गए थे कि आपके सिलेबस में ब्लैक रस्ट है, और ब्लैक रस्ट जो है वो होता है काहे के द्वारा, आपके पक्सीनिया ग्रेमिनिस के द्वारा। देखिए जरा, तो अब जो हम पढ़ेंगे वो काहे के बारे में, आपके पक्सीनिया ग्रेमिनिस। अब देखिए जरा पक्सीनिया ग्रेमिनिस क्या है इसका, चूंकि सबसे पहले तो हम लिए थे पक्सीनिया, तो पक्सीनिया के बारे में आपको बताए थे कि ये ऑटोईसीएस एंड हेट्रोईसीएस दोनों है, इसकी कुछ जातियां ऑटोईसीएस है, कुछ कैसी आपकी हेट्रोईसीएस, लेकिन ये पर्टिकुलरली जो अब हमारी जो सिलेबस में है, चाहे वो आपकी दोनों ब्रांचों में कि पक्सीनिया ग्रेमिनिस का लाइफ साइकिल, डिजीज साइकिल, ये उसमें पैथोलॉजी पोर्शन है, तो अब हमें जो डिटेल में पढ़ना है इसके बारे में हम पढ़ेंगे इसका फिजियोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन, और सबसे पहले इसका इंट्रो लेंगे, इसके बाद इसका फिजियोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन, और इसके बाद हमारा जो रहेगा इसकी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर एंड देन लाइफ साइकिल। तो चलिए हम शुरू करते हैं पक्सीनिया ग्रेमिनिस से। तो सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो पक्सीनिया ग्रेमिनिस है वो जो है आपका एक बीमारी लगती है आपके जो है आपके सीरियल्स में, इसमें आपके सीरियल्स में, सीरियल्स का मतलब क्या हुआ, आपके धान्य फसलें, धान्य फसलों से मतलब है आपका जो है जो अनाजी फसलें, और अनाजी फसलें जो अनाज देने वाली फसलें हैं, जैसे आपका अनाजी फसलें जैसे आपके हैं आपकी वीट, बार्ले, वीट, बार्ले, ओट एटसेट्रा, ठीक है। और इसमें कौन सा बीमारी फैलाती है आपका, रस्ट तो है ही पर्टिकुलरली, कौन सा वाला रस्ट है आपका, ब्लैक रस्ट, कौन सा रस्ट है आपका, ब्लैक रस्ट, और इसको किस नाम से हम और जानते हैं, आपके स्टेम रस्ट के नाम से, किस नाम से, आपके स्टेम रस्ट के नाम से, ठीक है। तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि पक्सीनिया ग्रेमिनिस जो जो है आपके सीरियल्स, और सीरियल्स को हम क्या कहते हैं, धान फसलें अथवा अनाजी फसलें जैसे रीट, बार्ले और ओट में क्या करते हैं आपके ब्लैक रस्ट का कॉजल ऑर्गेनिज्म या पैथोजन। कॉजल ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं आपका रोग कारक जीव, और पैथोजन का रोग जनक, ठीक है। तो इसको हम ब्लैक रस्ट, और इसको हम दूसरा नाम क्या देते हैं आपका, स्टेम रस्ट के नाम से जानते हैं। अब बच्चों क्या था कि एक सन है आपका 1738 तक रोम में इनकी पूजा होती थी, और ये माना जाता था ये फंगल डिजीज नहीं है, कौन सी डिजीज नहीं है, फंगल, यानी कि इसको मानते थे ये फंगल डिजीज नहीं है, और ये क्या है आपका, ये एक प्रकार से इंसेक्ट से फैलने वाला रोग है, कीटों से फैलने वाला रोग है 1738 तक। किस सन तक बच्चों, 1738 तक। लेकिन एक साइंटिस्ट हुए परसून, क्या नाम बोला मैंने आपको, परसून, 1797, और उन्होंने कहा कि नहीं भाई ये इंसेक्ट से होने वाली बीमारी नहीं है, ये जो है कैसी डिजीज है आपके, फंगल। कुल मिला के हम ये मान लें कि जो है पक्सीनिया ग्रेमिनिस की के जो खोज करता है, जो किसने खोज की आपके, परसून नामक वैज्ञानिक ने 1797 में इनको क्या किया आपके, खोजा, और इन्होंने कहा 1797 में या 1797 में पक्सीनिया ग्रेमिनिस की खोज की, और इन्होंने इनके बारे में तीन टर्म दिए, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, और जिनको देखिएगा क्या क्या है। सबसे पहली बात इन्होंने कही कि ये जो है, इसको अब हम बच्चों रब कर देते हैं, सबसे पहले इतना एक बार और रिव्यू देते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज हमने हेडिंग डाला हुआ पक्सीनिया ग्रेमिनिस, ठीक है। तो पक्सीनिया ग्रेमिनिस क्या है आपके सीरियल्स में, कौन से आपके, ब्लैक रस्ट और स्टेम रस्ट का कॉजल ऑर्गेनिज्म है, और 1738 तक इस रोग का कारक या कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या समझे जाती थी आपके, इंसेक्ट, और रोम में इनकी क्या होती है आपकी पूजा। एक साइंटिस्ट हुए आपके 1797 में परसून, उन्होंने इसकी खोज की, और इन्होंने कहा ये एक प्रकार का फंगस है, ठीक है, और ये जो लगने वाला जो रोग है वो कैसा डिजीज कहलाता है आपका बच्चों, फंगल डिजीज, क्या कहलाता है, फंगल डिजीज, ठीक है। तो इसके बाद अब इन्होंने क्या कहा अगले पैराग्राफ में, इसको अब हम रब कर रहे हैं, देखिए जरा आगे क्या बातें इन्होंने कही। सबसे पहली चीज इन्होंने कहा, अब ये हमारा एक पैराग्राफ पूरा हुआ, और अब हमारा दूसरा पैराग्राफ शुरू होगा,
तो देखिए जरा दूसरा पैराग्राफ क्या कहलाता है कि बच्चों हमने आपको दो फंगस बताए थे, एक तो ऑटोइसियस और एक हेट्रोइसियस। तो सबसे पहला टर्म इन्होंने कहा कि पक्सिनिया ग्रैंडिस इज ए हेट्रोइसियस फंगस, HETROECIOUS, हेट्रोइसियस फंगस। कैसा फंगस है आपका? हेट्रोइसियस फंगस। दूसरा है आपका ऑब्लिगेट पैरासाइट, ऑब्लिगेट पैरासाइट, ऑब्लिगेट पैरासाइट। और तीसरा इन्होंने एक टर्म कहा कि पॉलीमॉर्फिक फंगस। क्या कहा आपके? पॉलीमॉर्फिक फंगस, पॉलीमॉर्फिक फंगस। बच्चों तीन तरीके से सवाल आ सकता है। डिस्क्राइब इन डिटेल लाइफ साइकिल ऑफ एनी हेट्रोइसियस फंगस स्टडीज बाई यू, लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। और ये दोनों टर्म एक साथ जोड़ देते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट एंड हेट्रोइसियस फंगस और पॉलीमॉर्फिक फंगस, इनके मीन आपको बताते चलते हैं। देखिए जरा, वे फंगस या हम सीधा सीधा कहने, चूंकि एक ही हमने जब टाइटल डाला हुआ है, पक्सिनिया ग्रैंडिस की लाइफ साइकिल एक से अधिक होस्ट में पूरी होती है, ठीक है। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब क्या हुआ, इनको पहले डिफाइन कर देते हैं फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। ये जिस होस्ट पर पाए जाते हैं उन होस्ट में, जैसे ये जनरली जो आपका ये रोग लगता है वीट प्लांट पर, इस पर लगता है आपका वीट, तो वीट प्लांट पर जैसे उस पर्टिकुलर होस्ट या वीट प्लांट हो गया उसमें पाए जाने वाला प्रोटोप्लाज्म किस फॉर्म में हो आपका, इस प्रोटोप्लाज्म किस फॉर्म में हो आपका, लिविंग फॉर्म में, किस फॉर्म में, लिविंग फॉर्म में। अब बात आई आपकी पॉलीमॉर्फिक फंगस। पॉलीमॉर्फिक का मतलब क्या हुआ, एक होता है मोनोमॉर्फिक शब्द और एक होता है पॉली, पॉली माने मोनो माने एक रूप और पॉली माने बहुरूप। अब देखिए जरा पॉलीमॉर्फिक क्या होता है बच्चों, इसकी लाइफ साइकिल में दो होस्ट है, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट होस्ट है वीट प्लांट। क्या है आपका? वीट प्लांट। और दूसरा है आपका बारबेरी प्लांट, बारबेरी, BARBERY, बारबेरी प्लांट, ठीक है। तो बच्चों क्या होता है कि इसके पांच रूप देखने को मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, पांच रूप, ठीक है। तो इसके तीन रूप जो है दिखाई पड़ेंगे, कौन से पौधे पर, आपके वीट प्लांट, किस प्लांट पर, वीट प्लांट पर। वीट का मतलब हुआ आपका गेहूं का पौधा, काय का, गेहूं। इसका हम बॉटनिकल नेम भी याद कर लेते हैं, ट्रिटिकम एस्टिवम, TRITICUM, ट्रिटिकम एस्टिवम। और एक और इसकी स्पीशीज है ट्रिटिकम वल्गर, हम एस्टिवम ये तो थोड़ा ध्यान रखना है लेकिन एस्टिवम हमारे लिए सफिशियंट है। और दूसरा है आपका, और ये किस फैमिली का सदस्य है, ये पोएसी का, POACEA, पोएसी का सदस्य है। और यहां पर इसके तीन रूप देखने को मिल रही है, ठीक है। और दो रूप कहां मिल रहे हैं आपके, इस बारबेरी के पौधे पर। इस पौधे का बॉटनिकल नेम है बारबेरिस बल्गेरिस, ठीक है, ये बर्बिनेसी का मेंबर है, ठीक है। अब बच्चों क्या है कि यहां पर इसके लाइफ साइकिल मतलब के जो है तीन रूप, कौन कौन से रूप है, एक रूप है आपका यूरिडोस्पोर के रूप में, किस रूप में आपके, यूरिडोस्पोर के रूप में। दूसरा रूप है आपका टेलिटोस्पोर के रूप में, ठीक है, टेलिटोस्पोर के रूप में। और तीसरा है आपका बेसिडियोस्पोर के रूप में, बेसिडियोस्पोर के रूप में। और चौथा रूप है आपका पिकनिडियोस्पोर, PYCNIDIOSPOR, पिकनिडियोस्पोर। और लास्ट रूप है आपका SU-स्पोर, ठीक है। बच्चों तीन, अगर आप देखिए बिल्कुल क्लियर कट मैंने लिखा हुआ है कि ये तीन रूप, तीन फॉर्म, थ्री फॉर्म दिखाई पड़ रहे हैं एक जगह, और किस जगह दिख रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा गौर से देखिएगा, किस पौधे पर, आपके वीट प्लांट पर, ठीक है, किस प्लांट पर, वीट प्लांट पर। और दूसरा पौधा कौन सा है आपका, बारबेरी का पौधा, यहाँ पर इसके दो रूप दिखाई पड़ रहे हैं, पिकनिडियोस्पोर और SU-स्पोर। यानी कि एक चीज क्लियर हुई कि इसके लाइफ साइकिल में पांच प्रकार के स्पोर पाए जाते हैं, तीन पाए जाते हैं आपके वीट प्लांट पर और दो मिलते हैं आपके बारबेरी के पौधे पर। तो यहाँ पर क्या है इसके लाइफ, अब चूंकि इसमें एक और थोड़ा सा क्या है कि इधर का उधर बहुत होता है, एक और कंफ्यूजन क्रिएटिंग है बात कि इसमें पाए जाने वाले जो आपके माइसीलियम है वो दोनों है, डाइकैरियोटिक और मोनोकैरियोटिक, यानी कि डाइकैरियोटिक माइसीलियम मिलता है आपका वीट के पौधे पर, किस पौधे पर, वीट के पौधे। तो यानी कि एक कंक्लूजन निकलता है यहाँ पर इसके लाइफ साइकिल की डाइकैरियोफेज पूरी हो रही है, कौन सी पूरी हो रही है आपकी, डाइकैरियोफेज। और इस वाले पर जो है आपके हैप्लोफेज, कौन सी आपकी, हैप्लोफेज, HAPLO, हैप्लोफेज।
यानी कि बच्चों बहुत क्लियर है। और इसमें एक जो सवाल बनता है वो बच्चों ये और है कि यहाँ पर इसके लाइफ साइकिल का ये जो है आपका प्राइमरी होस्ट है, कौन सा होस्ट है आपका प्राइमरी होस्ट है, और दूसरा वाला जो है ये बर्बेरिस वल्गेरिस का पौधा है, ये अल्टरनेट होस्ट है, कौन सा होस्ट है आपका अल्टरनेट। इसको बच्चों कोई कोई पर्सन जो है आपका सेकेंडरी होस्ट और कहते हैं, क्या कहते हैं सेकेंडरी होस्ट, लेकिन पॉपुलर नाम आपका कौन सा है आपका अल्टरनेट होस्ट। तो बच्चों ये दोनों प्रकार के जो है स्पोर जो है ये दोनों प्रकार के होस्ट पर अलग अलग, ठीक है। अब बच्चों हमारा सवाल क्या बनता है, क्योंकि एक चीज आपको और इन्फॉर्मेशन दे दें कि हमारा जो कानपुर यूनिवर्सिटी जो हम जिसमें हम खुद टीचिंग करते हैं उसमें पहले एमसीक्यू पैटर्न पर लास्ट ईयर तक एग्जाम हो रहे थे, लेकिन इस बार जो है डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर होगा, उसमें पेपर पहला वाला जो सेक्शन होगा वो कंपलसरी होता है, उसके लिहाज से एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आ रहा है, प्राइमरी होस्ट एंड अल्टरनेट होस्ट, ठीक है। तो आप देखिए जरा सवाल को थोड़ा सा करते हैं। सबसे पहली चीज, पक्सिनिया ग्रैमिनस इज ए हेटरोइसियस ऑब्लिक ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑब्लिक पॉलीमॉर्फिक फंगस, इतना लिख दिया, ठीक है। इसके बाद क्या है कि जो इनके मीन आपको बताई थी, ऑब्लिगेट का मतलब जिसमें लिविंग प्रोटोप्लास्ट, पॉलीमॉर्फिक का मतलब पांच रूप, ठीक है। आप यहां देखिए, फिर यहां लिखने के बाद हम इतना लिखेंगे पॉलीमॉर्फिक फंगस है। इसके बाद पक्सिनिया की लाइफ साइकिल में दो होस्ट पाए जाते हैं, प्राइमरी होस्ट वीट प्लांट कहलाता है, क्या कहलाता है बच्चों वीट प्लांट, और यहाँ पर इसके लाइफ साइकिल की डाइकैरियोफेज पूरी होती है, और इस पर जो है आपकी पाई जाने वाली स्पोर निम्न है, यूरिडो स्पोर, टेलिटो स्पोर, बेसेडियो स्पोर, ठीक है। और इसके बाद अगला है आपका कनम बारबेरी प्लांट, बर्बेरिस वल्गेरिस जो बर्बीनेसी का सदस्य है, यहाँ पर इसके लाइफ साइकिल की दो फेजेस पिकनिडियो स्पोर और एसियो स्पोर पूरी हो रही हैं, ये इसकी लाइफ साइकिल का अल्टरनेट होस्ट और सेकेंडरी होस्ट है, यहाँ पर इसकी लाइफ साइकिल की हैप्लोफेज पूरी हो रही है। और बच्चों एक चीज और है, जैसे ये दोनों है तो क्या है कि अगर मान लीजिए किसी में अल्टरनेट होस्ट नहीं है तो ये जो है इसकी लाइफ साइकिल पूरी नहीं होगी, लेकिन अगर ये नहीं होगा तो ये जो है मृत हो जाएगा, जीवित नहीं रह पाएगा, ठीक है, प्राइमरी होस्ट की अब्सेंस में, ठीक है। तो बच्चों ये रहा आपका क्या नाम आज का मेरा जो वीडियो था, और कल जो है अब इसका फिजियोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन एंड देन जो है आपका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर एंड देन लाइफ साइकिल, ठीक है। तो बच्चों आज हम इसको यहीं रोक रहे हैं, और तब तक के लिए जो है आपको और आपसे एक रिक्वेस्ट है, इसको बहुत लाइक करिए, कमेंट करिए और बड़े पैमाने पर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।